फ्रेंड्स हम लोग आज करेंगे काइनेमेटिक्स में जो पहला चैप्टर आता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, उसका एक बहुत बेसिक सा टॉपिक एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। हमें मालूम है कि जब कोई पार्टिकल चलता है तो उसने कितना मोशन किया, उसके मोशन को क्वांटिफाई करने के लिए कि हाउ मच द पार्टिकल हैज मूव्ड, उसको बताने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होता है जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल आई टू एफ इनिशियल टू फाइनल ये चला, तो एक होता है कि हम उसका ये एक्चुअल पाथ बताएं। इस एक्चुअल पाथ को डिस्टेंस या टोटल पाथ लेंथ कहते हैं। और दूसरा तरीका होता है कि हम इनिशियल टू फाइनल एक स्ट्रेट लाइन कनेक्ट कर दें, यू बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, और एक एरो और बना दें, तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस होती है उसका एक्चुअल पाथ और डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल टू फाइनल स्ट्रेट लाइन। जब हम स्ट्रेट लाइन कनेक्ट करेंगे तो हम एक्चुअली बता रहे हैं कि नेट कितना चला। स्ट्रेट लाइन हम बता रहे हैं कि यानी कि उनके बीच में शॉर्टेस्ट इनिशियल और फाइनल के बीच में जो पाथ हो सकता है, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, मैंने डिस्टेंस को देखिए यहाँ पे डेल्टा एस से दिखाया है और डिस्प्लेसमेंट को मैंने डेल्टा आर वेक्टर से दिखाया है। डिस्टेंस स्केलर होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। ये रहा डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर वेक्टर। तो अब ये अगर ये दोनों बता रहे हैं कि मोशन कितना हुआ, तो मोशन कैसे हुआ का मतलब फास्टली हुआ, स्लोली हुआ, उसकी रेट ऑफ मोशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको बताने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक होता है स्पीड का, एक होता है वेलोसिटी का। तो देखिए मैंने पहला पॉइंट जो क्लास में पढ़ाया था, तो मैंने यही पॉइंट लिखा था बोर्ड पे भी कि दोनों चाहे एवरेज स्पीड हो चाहे एवरेज वेलोसिटी हो, दोनों में एक चीज़ तो सिमिलर है। सिमिलरिटी ये है कि दोनों यूज होते हैं फास्टनेस या स्लोनेस बताने के लिए। दोनों यूज होते हैं मोशन का फास्टनेस या स्लोनेस बताने के लिए। जब हम फास्टनेस या स्लोनेस बताते हैं तो ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम बताते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम का मतलब ये कि जब हम एवरेज स्पीड बताते हैं तो हम बताते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। जब हम एवरेज वेलोसिटी बताते हैं तो हम बताते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये हम बताते हैं डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा आर एक वेक्टर है और वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो वेक्टर ही रहता है। तो एवरेज स्पीड एक स्केलर होती है, एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर होती है। अच्छा, हम दोनों में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में डिफरेंस देखें तो एवरेज स्पीड जो कि डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम, दोनों स्केलर होने की वजह से स्केलर है। अच्छा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, टाइम तो वैसे ही पॉजिटिव होता है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ये एक जब हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो एवरेज स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी तो ऑब्वियसली डायरेक्शन कहाँ से होगी, क्योंकि ये देखिए आप ये इस टाइप से कर्व्ड है। अब एवरेज वेलोसिटी की बात करें, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी एक डायरेक्शन है। अब डायरेक्शन है तो किधर से किधर है, तो देखिए इनिशियल टू फाइनल जिधर से जिधर गए, इस फिगर की बात कर रहा हूँ, इनिशियल टू फाइनल ये जो एरो होगा ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं पे भी हो। और जब हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं मोशन स्ट्रेट लाइन की, तो देखिए स्ट्रेट लाइन में एक डायरेक्शन हमने मान लिया पॉजिटिव मान ली, तो दूसरी डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट नेगेटिव हो जाएगी और अगर पार्टिकल घूम फिर के वहीं आ जाता है तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो हम स्ट्रेट लाइन की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की तरह पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो हो सकती है, जहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव जीरो उसकी डायरेक्शन बता रहा है, राइट है तो पॉजिटिव, लेफ्ट है तो नेगेटिव, और घूम फिर के वहीं आ गया तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो और एवरेज वेलोसिटी भी जीरो। फिर मैंने ये लिखा है कि जब कोई पार्टिकल चल रहा है तो जो कर्व्ड वाला होता है वो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट बाय डिफॉल्ट डिस्टेंस से देखिए लेस देन इक्वल टू है, मतलब डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर देन इक्वल टू है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो लेस देन इक्वल टू है। तो अगर हम टाइम से दोनों साइड डिवाइड कर दें, दोनों साइड टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दें, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होगा वो डिस्टेंस अपॉन टाइम से छोटा ही रहेगा। इसलिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में ये अक्सर पूछा जाता है, ये आप याद रखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में एवरेज स्पीड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। रीजन क्योंकि डिस्टेंस कर्व्ड की होने की वजह से बड़ा है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट होने की वजह से छोटा है। और इवन इफ पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चले और बिल्कुल सेम डायरेक्शन में चले तो उस केस में भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बड़ा छोटा कोई नहीं होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे इक्वलिटी भी लगा है। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी कब इक्वल होती है, जब पार्टिकल सेम लाइन सेम डायरेक्शन में चलता है। फिर से बोल रहा हूँ, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के कभी इक्वल होती है जब पार्टिकल चलता है सेम लाइन सेम डायरेक्शन, क्योंकि अगर पार्टिकल ने चलते चलते अपनी डायरेक्शन रिवर्ट कर ली तो देखिए डिस्टेंस तो बड़ी हो जाएगी बट डिस्प्लेसमेंट छोटा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल 10 मीटर आगे बढ़े और फिर 8 मीटर वापस लौट आए तो डिस्टेंस तो 18 मीटर काउंट होगी बट डिस्प्लेसमेंट 10 प्लस का 8 माइनस का 2 मीटर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम सिर्फ एक सिचुएशन में होते हैं, जो मैंने लास्ट में फिगर दिखाया है, जब पार्टिकल सेम लाइन सेम डायरेक्शन में चलता है। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। एक पार्टिकल सर्किल में चल रहा है, इसका एक रिवोल्यूशन में बताना है कि इसकी स्पीड फिक्स है, स्पीड वी दे रखी है, एक रिवोल्यूशन में इसकी एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बारे में बताना है। तो देखते हैं एक रिवोल्यूशन की बात करें तो इसने डिस्टेंस कितनी चली होगी। डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ, सर्किल में चल रहा है तो सर्किल में एक्चुअल पाथ उसका पेरीमीटर होगा 2πr। ये है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो पार्टिकल घूम फिर के वहीं आ गया है, फाइनल इनिशियल पोजीशन वही है, तो शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ से लेके यहीं तक का जीरो होगा। तो एवरेज वेलोसिटी तो पक्की बात है जीरो होगी, एवरेज वेलोसिटी तो पक्की बात है कितनी होगी, जीरो। और हमें जहां तक एवरेज स्पीड की हमें अगर बतानी हो तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस इसने कितनी चली 2πr डिवाइडेड बाई टाइम। तो मान लेते हैं इसका टाइम पीरियड t है, इसने t सेकंड्स में इतनी डिस्टेंस चली तो 2πr/t, इसी को मैंने v लिख दिया था। और आगे बढ़ते हैं, हाफ रिवोल्यूशन में बताते हैं। हाफ रिवोल्यूशन में जब पार्टिकल यहां से लेके यहां तक चलेगा तो इसकी अगर हमें एवरेज वेलोसिटी चाहिए और एवरेज स्पीड चाहिए, मैं दोनों बताने आ रहा हूं। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो देखिए ये डिस्टेंस इसने चली 2πr का आधा πr, टाइम पीरियड का आधा, तो πr डिवाइडेड बाई t/2। तो जब यहाँ पे πr डिवाइडेड बाई t/2 करेंगे तो देखिए स्पीड तो वही आएगी, πr डिवाइडेड बाई t/2, ये तो 2 से 2 तो कट ही जाएगा। हमने यहाँ पे देखिए डिस्टेंस कितनी करी 2πr की आधी करी और टाइम भी टाइम पीरियड का आधा किया, तो वही हमारी जो स्पीड v से अगर चल रहा है तो एवरेज स्पीड भी वही आएगी। मेन चीज एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी में जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल शॉर्टेस्ट पाथ ये हुआ जो कि 2r है, तो 2r ये हो गया और टाइम तो मैंने बताया था कि πr/v, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हमने टाइम रख दिया। तो टाइम रखते ही हमारा ये आंसर निकल आया, अगर हमें v के टर्म्स में निकालना हो, अगर पार्टिकल की स्पीड v हो। अच्छा, क्वाड्रट सर्किल में चाहिए हो तो क्वाड्रट सर्किल में देखिए डिस्टेंस तो ये होगी 2πr का आधा, सॉरी 2πr का 1/4, πr/2। और अगर हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा, ये जो हमारा ये होगा इनिशियल टू फाइनल। और ये कैसे निकालेंगे तो पाइथागोरस से अगर ये रेडियस r है, ये r है, तो ये बनेगा r√2। तो मैंने यही किया है r√2 और यहाँ पे मैंने 2πr/v अगर पूरा टाइम पीरियड लिया था, आधा लिया था πr/v, तो ये πr/v का भी आधा है, तो πr/2v टाइम से मैंने डिवाइड कर दिया, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक की एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से। एक पार्टिकल जिगजैग मैनर में चल रहा है, 50 ये वाली आर्म 50 की, ये 40, फिर 50, फिर 40, फिर 50, फिर 40, फिर 50, फिर 40, इस तरीके से चल रहा है और एक साइकिल 1 सेकंड की है। इस तरह की टोटल 10 साइकिल हुई। क्वेश्चन है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताना है। तो एवरेज स्पीड कितना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो 50, 40, 90 और इस टाइप की 10, तो 90 × 10 डिवाइडेड बाई टाइम। तो हर साइकिल, ये एक पूरी साइकिल इसको बोलेंगे, ये 1 सेकंड की, तो 10 साइकिल 10 सेकंड, 90 × 10 इसने चला टोटल और डिवाइडेड बाय टोटल जो टाइम लगा वो लगा 10 सेकंड का, 10 सेकंड से 10 सेकंड कट गए, तो एवरेज स्पीड आ गया 90 मीटर/सेकंड। अब आते हैं एवरेज वेलोसिटी। देखिए एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए, अगर ये 50 या 40 है तो ये वाली चीज 30 होगी, 30 30 30, इस तरीके से 10 स्टेप्स में चलेगा, 30 × 10 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी 30 मीटर/सेकंड। आप देख रहे हैं कि ये डायरेक्शन ये आएगी, जबकि एवरेज स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं, वो तो हमेशा लगातार अपनी डायरेक्शन कवड़पात में बदलती रहेगा। एक और क्वेश्चन, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है एक्स एक्सिस पे, जहां पे उसकी पोजीशन टाइम के साथ बदल रही है, ऐसे x = t² - 2t + 1। हमको दे रखा है कि 0 से 2 इस टाइम इंटरवल में, 2 सेकंड का इंटरवल है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी चाहिए। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करें, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर मैं 0 पे देखूं, t = 0 पे, तो पार्टिकल 1 पे था। अगर मैं t = 2 पे देखूंगा तो t = 2 यहाँ पे रखेंगे तो 4 - 2 रखने पे 4 + 1, ये देखिए आ रहा है t = 2 पे, पार्टिकल 1 पे। देखिए t = 0 पे भी पार्टिकल 1 पे था, t = 1 पे भी पार्टिकल 1 पे। तो देखिए इस पार्टिकल के साथ हो क्या रहा है, ये पार्टिकल t = 0 से चलना स्टार्ट किया, t = 0 पे पार्टिकल x = 1 पे था, फिर आप देख रहे हैं t = 2 पे भी पार्टिकल x = 1 पे। इसका मतलब है कि इन 2 सेकंड में पार्टिकल घूम फिर के वहीं वापस लौट आया है, और अगर पार्टिकल घूम फिर के वहीं लौट आया है तो डिस्प्लेसमेंट 0 है और एवरेज वेलोसिटी 0 है। तो इसका मतलब है कि बीच में ये इसने अपनी पार्टिकल चला तो है ही, तो डायरेक्शन बदली होगी। तो कब बदली होगी, तो देखिए इसकी अगर हम वेलोसिटी निकालें, वेलोसिटी dx/dt से निकालें तो आएगी 2t² का 2t और -2t का -2, 2t - 2। ये 0 कब हो रहा है, तो ये हो रहा है 2t = 2, t = 1 पे। हुआ ये होगा कि ये पार्टिकल 0 से 1, t = 1, t = 0 से ये पार्टिकल चलना स्टार्ट किया ऐसे लेफ्ट की तरफ। वैसे भी 2t - 2 वेलोसिटी थी, इसमें अगर हम t शुरुआत के 0 से 1 रखेंगे तो वेलोसिटी नेगेटिव आनी है, पहले लेफ्ट जा रहा है, तो पहले लेफ्ट गया, ओरिजिन की तरफ गया, फिर ओरिजिन से लौट के वापस आ गया राइट की तरफ। तो पार्टिकल ने कितना चला, तो देखिए 0 से लेके 1, 1 से लेके 0, 1 मीटर, फिर 1 मीटर, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो एवरेज स्पीड हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 2, टोटल टाइम तो 2 सेकंड का था ही, तो 1 मीटर/सेकंड। एवरेज स्पीड 1 मीटर/सेकंड है, एवरेज वेलोसिटी 0 है। थैंक यू।